डेटिंग, और आज मैं फिर से आ गया हूँ इस गट्टी चटनी में। तो आज मैंने इनसे ये ऑर्डर करा है, इनकी इडली और सांभर, और उन्होंने हरी वाली चटनी दी है। इसको टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। और इसके साथ इन्होंने ये मैसूर पाक और ये पान भी दिया है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके का है। ये जो इडली है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, मैंने इसको डिप करा। सांभर मेरे को इनका इतना पसंद नहीं आया था, मैंने आपको पहले बताया था, बट इसके साथ देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। तो ये एकदम मैंने इसको डिप कर लिया सांभर के अंदर, अच्छे से फिर से कर लिया। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत बढ़िया, 10 out of 10 ईजिली, बहुत फ्लफी है। और इसके अंदर एक हल्का सा स्वाद आ रहा है इडली के अंदर, जैसे मतलब बाकी इडली हमको फीकी फीकी लगती है, फीकी नहीं लग रही, इसके अंदर अपना एक यूनिक टेस्ट है। तो ये मैंने इसके साथ चटनी लगा ली है, अब मैं इसको सांभर के अंदर डिप करके खा रहा हूँ। टोटली वर्थ द मनी गाइस, 60 रुपये की दो इडलियाँ, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है और टेस्ट एकदम लाजवाब है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, उसके बाद फिर आगे की चीज़ों का रिव्यू है। इडली तो ख़त्म कर लिया, मैं आपको एक बिल दिखा देता हूँ इसका। इसका 120 का बिल है, मैंने 2 प्लेट इडली ऑर्डर करी थी। और मैं ये मैसूर पाक इसको ट्राई करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि आगे बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है। बेहतरीन, 10 out of 10 फॉर दिस मैसूर पाक। अब मैं इनका ये पान ट्राई करता हूँ, मैंने पहले कभी पान ट्राई ही नहीं करा, तो मैं आपको खा के बताता हूँ कि किस तरीके का है इसका टेस्ट कैसा है। बस मीठा पान है ये, तो मैं अभी खा रहा हूँ और बेहतरीन स्वाद है उसका, एकदम फ्रेश फील हो रहा है ये। मैंने पहली बार पान खाया तो मैं इसको ऑब्वियसली 10 out of 10 दूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। तो दिस वॉज द रिव्यू फॉर प्लेन इडली फ्रॉम गट्टी चटनी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यू आर वॉचिंग बिंज ईटिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।